शुचि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुचीज किचन। टुडे रेसिपी इज सोया मंचूरियन, यमी एंड टेस्टी। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पैन में ऑलरेडी 3 से 4 कप पानी ले लिया है, उसको गर्म होने रख दिया है। इसमें सोया चंक डालने से पहले हम इसको थोड़ा फ्लेवर करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सिरका विनेगर और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस। अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून चीनी। अच्छे से इसको मिक्स करके इसमें हम अपने सोया चंक्स को बॉईल होने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट जब इसमें सिर्फ आपके सोया चंक्स बॉईल होंगे तो इसके अंदर सारी सॉस विनेगर सबका बहुत अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा, जो बहुत ही अच्छा लगता है। सोया चंक्स बहुत ही हेल्दी होते हैं फ्रेंड्स, आपको किड्स को भी खिलाने चाहिए, बड़ों को भी, सबको खाने चाहिए। इनफैक्ट वंस इन अ वीक तो आपको सोया चंक्स खाना ही चाहिए। ये प्रोटीन रिच होता है, वेजिटेरियंस के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सोया चंक्स हमारे बॉयल हो गए हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं, उनको हमने स्ट्रेन कर लिया है। अब इन बोल में डाल लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च और कॉर्नफ्लावर। इसको हमें अच्छे से कोट करना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप यहाँ पे मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, राइस फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको अच्छे से सोया चंक्स को कोट करना है क्योंकि हम इनको फिर डीप फ्राई करेंगे। थोड़ा सा और डाल लेते हैं और अच्छे से इनको कोट कर लेते हैं। अब मैंने ऑलरेडी ऑयल गरम कर लिया है। 1 by 1 हम इसमें सोया चंक्स डालेंगे, साथ में नहीं डालना है फ्रेंड्स क्योंकि ये फिर चिपक जाते हैं। अब 1 by 1 डालिए और अच्छे से हमें इनको डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने से क्या होगा, ये ऊपर से तो बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे और आप जब खाओगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और अंदर से आपको सॉफ्ट लगेंगे। ये डीप फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स आप ये रेसिपी पक्का से ट्राई कीजिए, बहुत ही यमी और टेस्टी बनने वाली है। रेस्ट ऑफ सोया चंक्स को भी ऐसे ही डीप फ्राई कर लेते हैं फ्रेंड्स। इनको भी निकाल लेते हैं। रेडी है फ्रेंड्स। अब क्या करना है, हमको ऑयल लेना है 2 टेबलस्पून, उसको गर्म करके उसमें डालना है गार्लिक एंड चिली। यहाँ पे आपको फ्लेम पूरी कुकिंग में मीडियम रखनी है फ्रेंड्स, लो फ्लेम नहीं करना है। इसको अच्छे से सौते करेंगे गार्लिक को और चिली को। अब इसमें हम डालेंगे जिंजर पेस्ट। आप जिंजर पेस्ट की जगह अदरक को छोटा छोटा चॉप करके भी डाल सकते हैं। अच्छे से सौते कर लेंगे। यहाँ पे मैंने प्याज और शिमला मिर्च को ऐसे काट लिया है, इनको डाल देंगे। अच्छे से सौते करेंगे। आपको ओवर कुक नहीं करना है प्याज को और शिमला मिर्च को, सिर्फ थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक हमें इसे कुक करना है। उसके बाद स्प्रिंग ओनियन का वाइट पार्ट और थोड़ा सा ग्रीन पार्ट डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। हम मंचूरियन बना रहे हैं इसलिए हम इसमें सारी सॉस ऐड करेंगे। अब हम डालेंगे सिरका 2 टेबलस्पून, रेड चिली सॉस 2 टीस्पून, सोया सॉस 2 टीस्पून। आप इसकी जगह ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं, टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। और ये फ्रेंड्स जिसमें मैंने सोया चंक्स को कोट किया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसी पानी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ से अलग से मैंने कोई कॉर्नफ्लावर की स्लरी नहीं बनाई है, आप उसी को ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और कुक होने देंगे। इसमें हमारे सोया चंक्स को ऐड कर देंगे। सोया चंक्स को अच्छे से सॉस के साथ कुक कर लेंगे 4 to 5 मिनट्स।
इसमें स्प्रिंग ओनियन का हरा पार्ट डाल देंगे और थोड़ा सा काली मिर्च। आप इसको और स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ग्रीन चिली सॉस डाल सकते हैं, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये रेडी है फ्रेंड्स, आइए इसको सर्व करते हैं। सोया मंचूरियन बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स, आप पक्का से ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स मुझे शेयर कीजिए। इफ़ यू लाइक टुडे रेसिपी डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट न्यू रेसिपी नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।